पिछले वीडियो पे मेरे 51 लाइक हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 51 लाइक हो गए। मैंने तो सिर्फ 30 लाइक बोला था, लेकिन आप लोगों ने 51 लाइक दे दिए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू इतना मुझे प्यार देने के लिए। आपके लिए वैसे ये थोड़ा सा लाइक होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आगे भी आप मुझे इतना ही प्यार देंगे, मुझे यकीन है। इस वीडियो को मैं लाइक रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 60 लाइक्स, मुझे 60 लाइक है ना, फिर देखते हैं 60 लाइक आता है या नहीं। तो फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, जो कि डुकाटी की तरफ से है। तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करके इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देख सकते हैं पैकेज बहुत ही प्रीमियम है, लुक भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे खासे लुक में आता है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस यहाँ पर लिखा है जो कि है 4,299। तो चलिए देखते हैं, खोलते हैं, बाकी आपको तो प्राइस में लास्ट में बता दूंगा। देख सकते हैं फर्स्ट लुक कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आता है। अंदर हमें और क्या मिलता है, अंदर हमें कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा लेस हमें कुछ नहीं दिया जाता है। तो फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। शू के बारे में बात करें तो कुछ खासा वैसे है नहीं बात करने के लिए। 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ब्लैक, व्हाइट और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर रेड कलर दिया गया है। बाकी इसका जो मटेरियल है वो पीयू मटेरियल हो सकता है, कुछ खासा मुझे मिला नहीं इसका डिस्क्रिप्शन में और इसका कौन सा मटेरियल है। और यहाँ पर लुक देख सकते हैं आगे पीछे और साइड से लुक कुछ इस तरह का यहाँ पर ऐसे दिखता है। साइड में आपको बाहर की तरफ आपको डुकाटी का ब्रांडिंग मिल जाता है ब्लैक कलर में। और नीचे के सोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इसका सोल देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, जो कि व्हाइट कलर में आता है। वैसे इसका मटेरियल जो है वो भी कुछ बताया नहीं गया, PVC सोल हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल लेस दिया जाता है। और ऊपर का टांग के बारे में बात करें तो ये भी जो है PU मटेरियल या फिर आर्टिफिशियल लेदर से बनाया है। ऊपर की तरफ आपको डुकाटी का ब्रांडिंग मिल जाता है टांग के ऊपर। अंदर के कुशन के बारे में बात करें तो कुशन जो है एकदम नॉर्मल है। बाकी मैंने जो भी शू रिव्यू किया था उसके कंपैरिजन में मुझे इसका कुशन जो है अच्छा नहीं लगा। बाकी इसके अंदर का जो भी इनर सोल है वो भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इनर सोल है वो थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस नहीं है। नॉर्मल सोल मिल जाता है और इनर जो सोल है उसको बाहर भी आप नहीं निकाल सकते, चिपकाया हुआ है। वैसे इसके अंदर आपको सोल में डुकाटी का ब्रांडिंग मिल जाता है और इनर का जो साइड है वो भी आपको रेड कलर में मिल जाता है। वैसे इसका हाइट के बारे में बात करें तो आपको 5 इंच के करीब करीब आपको यहाँ पर शू का हाइट मिल जाता है। ओवरऑल इसका लुक के बारे में बात करें तो मुझे ये जो लुक है थोड़ा थोड़ा एयर जॉर्डन वाला लुक के हिसाब से ये जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे शू देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, बाकी आप इसको कितना पसंद करते हैं बाकी आपके ऊपर है। आपको ये शू कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता सकते हैं। बाकी इसके लिए जो मैंने प्राइस पे किया वो था 1500, तो 1500 के करीब करीब आपको ये शू मिल जाएगा। बाकी मेरा अगर आप ओपिनियन ले तो 1500 के करीब करीब आपको ये जो शू मिल रहा है तो इसके कंपैरिजन में आपको बहुत अच्छे दूसरा शू भी मिल जाता है। पिछला मैंने और एक रिव्यू किया था जो कि था HRS का शू, तो वो शू जो था 1200 के करीब करीब अभी मिल रहा है। तो 1200 के करीब करीब वो वाला शू जो है वो काफी अच्छा है। वैसे ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद से इसको परचेज करके रिव्यू करता हूँ। बाकी आपको कौन सा शू ब्रांड पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस ब्रांड का शू मैं परचेज करके रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो में 60 लाइक हो जाएगा ना, हो जाने का तो चांस है। बाकी मिलते हैं और एक वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।